सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी वापस से आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ आज आप सभी को आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने के लिए। सो आई होप आप सभी की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी, अभी तक आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे एंड आप घर में भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज का हमारा चैप्टर है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। सो अगर अब हम बात करें एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में, सो अनलाइक द प्रीवियस लेसन हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो अर्थ की सरफेस होती है वो वियर अवे हो जाती है इरोजन के कारण। जो इरोडेड मटेरियल होता है वो कैरी हो जाता है बहुत अलग अलग एजेंट्स के कारण, एंड जब ये एजेंट्स की स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है तो जो मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब ये एजेंट्स हो गए जैसे कि रनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल रिवर, ग्लेशियर्स हो गए, विंड हो गए, सी वेव्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें इरोजन हेल्प करती है करने में। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन भी हेल्प होती है इसके कारण। बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स दी अर्थ सरफेस कीप ऑन अंडरगोइंग चेंजेस। अब इन्हीं सारे एजेंट्स के कारण अर्थ के सरफेस में बहुत सारे न्यू चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, बस इरोजन ही नहीं बहुत अलग अलग चेंजेस, एंड बहुत सारे नए लैंडफॉर्म्स भी इसमें फॉर्म होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स और भी फॉर्म होते हैं इस लेसन में। अब हमें यहाँ पे हाउ कैन यू टेल दिया गया है। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रेल गली स्ट्रीम एंड अ रिवर, एंड फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिवर। सो अब हम इसकी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो जो रनिंग वाटर होता है जो नेचुरली फ्लो कर रहा है इन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी अलॉन्ग द स्लोप एंड मेक्स इट ओन वे। अगर कोई भी रनिंग वाटर जो नेचुरली फ्लो कर रहा है ग्रेविटी के साथ एंड अपना खुद का एक रास्ता बना रहा है, इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ वाटर। When many such flows of water come together, a river is formed. अब बहुत अलग अलग टाइप्स के जो flows होते हैं water के, अब एक river एक single flow of water नहीं होती, बहुत सारे flow of water जब एक दूसरे से combine हो जाते हैं तब river form होती है। It's a long process. The slope of the land, the type of the rock, volume of water flowing in the river and the length of the flow, volume of sediments in the rivers etc. are the factors on which the erosional, transportational and depositional work of the rivers depend. So basically जो land का slope होता है, different different types के rock होते हैं, जो water की volume होती है जो river में flow हो रही है and जो length होती है flow की, ये सारी चीज़ें main factors होती है जो कि एक river को भी form करने में help करती है, एंड जितने भी इरोजनल ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपॉजिशनल वर्क होते हैं वो सारे रिवर के इसी के थ्रू ही कंट्रीब्यूट हो पाते हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पे इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स की, सो बेसिकली द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। सो बेसिकली जो रिवर होती है वो जो एल्टीट्यूड होता है सी लेवल का उससे बहुत हाई एल्टीट्यूड में फॉर्म होती है, एंड जो रिवर होती है वो भी एक बहुत ग्रेट स्पीड में फ्लो होती है अनलाइक द ओशन, एंड इसके कारण ये होता है कि जो उसकी पावर होती है इरोड होने की वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है कंपेयर टू ओशन। द रिवर बैंड एंड द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स एंड पेबल्स। सो जो बेसिकली रिवर बैंक्स होते हैं, जो रिवर का बेड होता है वो इरोड इसीलिए होते हैं क्योंकि जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वहाँ के सैंड पार्टिकल्स के कारण एंड यहाँ के पेबल्स यानी कि पत्थर, छोटे पत्थर, एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर, ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जॉर्ज वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल्स। सो अब इन सारे फैक्टर्स के कारण बहुत सारी जो ट्राइबट्रीज ज्वाइन होती है मेन रिवर के साथ, इसके कारण कभी कभी क्या होता है हमको बहुत सारे कैनियंस की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है एंड वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल्स की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय द रिवर्स की। अ रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप फ्रॉम अ हिली रीजन एट द फुटहिल्स, द चेंज इन द स्लोप कॉजेज डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स, एज दीज आर डिपॉजिटेड इन अ ट्रायंगुलर शेप दे फॉर्म अ एलुवियल फैन। सो बेसिकली जो रिवर होती है एक स्लोप से फ्लो डाउन करती है हिली रीजन्स में बेसिकली, एंड जो फुटहिल्स होते हैं यानी कि नीचे का पार्ट, द चेंज इन द स्लोप कॉजेज डिपॉजिशन। अब जो स्लोप होता है उसकी चेंज के कारण एक डिपॉजिशन होता है कोर सेडिमेंट्स का, कोर सेडिमेंट्स की आप यहाँ ऊपर फोटो देख सकते हैं, एंड ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट हो जाती है और एक ये एलुवियल फैन बना देती हैं। अब एलुवियल फैन एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
सो अब हम आगे बढ़े। एज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप डिक्रीजेस द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर रिड्यूसेस, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग स्लोली, इट बेंड्स ऑफन इन इट्स वे इन एन एफर्ट टू क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टिकल। सो बेसिकली जो स्लोप की स्टीपनेस होती है और उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एंड जो रिवर होती है उसकी भी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग स्लोली, जिसके कारण ये होता है कि जो रिवर होती है वो स्लो फ्लो करना शुरू कर जाती है। इट बेंड्स ऑफन इन इट्स वे इन एन एफर्ट टू क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टिकल्स। अब इसके कारण होता क्या है कि जो स्मॉल ऑब्स्टिकल्स होते हैं रिवर में, वो भी उनको क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स मेंशनड अबव। बाय द टाइम द रिवर रीचेस द सी, इट्स रिवर बेंड बिकम वेरी वाइड एंड इट्स स्पीड बिकम वेरी स्लो। अब जैसे कि रिवर बेड तक पहुंचती है रिवर, वहां तक होते होते जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। द सेडाइमेंट्स ऑफ द रिवर्स गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड्स एंड ऑन इट्स बैंक। सो जो सेडाइमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने फोटो में देखा, वो रिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बैंक्स एंड बेड्स में। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिपॉजिशन ऑफ सेडाइमेंट्स आर द लेंथ ऑफ द रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सेडाइमेंट्स and the slope of the river and the earth surface. So basically जो deposition होता है sediments का, वो कुछ factors decide करते हैं, जैसे कि river की length कितनी बड़ी है, river के अंदर कितना ज़्यादा water है, उसकी volume कितनी है, and जो sediments है उसका amount कितना है, कितने सारे sediments हैं actually, and जो स्लोप होता है रिवर का एंड जो अर्थ का सरफेस होता है वो भी बहुत मैटर करता है इस प्रोसेस में। दस लैंडफॉर्म्स लाइक फ्लड लीव्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिपॉजिशन ऑफ सेडाइमेंट्स। अब आप यहाँ पे फिगर 4.1 में अच्छे से देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था एंड कैसे डेल्टाज एंड अदर फ्लड्स की बहुत सारी फॉर्मेशन होती है जो यहाँ पे ऊपर मैंशनड है। अब यहाँ पे थ्रू आउट द पेज आपको अलग अलग चीज़ों के डायग्राम दिए गए हैं जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था अच्छे से। एक बार आप उन सारे डायग्राम्स को अच्छे से लुक ओवर कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो, एंड हम नेक्स्ट पेज में जंप इन करते हैं क्योंकि ये पूरा पेज डायग्राम से भरा हुआ है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म। इन द रीजन्स वेयर द टेम्परेचर्स आर जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, precipitation is in the form of snowfall. Layers of snow accumulate on the earth's surface because of the snowfall. The heavy weight of these overlying layers make the snow move along the slope at the base of the layer. The snow starts melting because of the friction and the pressure from the above. Glacier starts moving slowly along the slope. Like the river, a glacier too carries out the work of erosion, transportation and deposition. So basically ये paragraph ये explain करना चाह रहा है कि जहाँ पे जिन areas में जो temperature freezing point से भी कम होता है वहाँ का जो precipitation होता है वो as a form of snowfall fall करता है, and generally इन areas में snowfall की बहुत बड़ी बड़ी कभी कभी layers बन जाती है जो कि जो earth का surface होता है उसमें accumulate कर जाती है। अब बहुत सारी लेयर्स के बनने के कारण एक हैवी वेट फॉर्म हो जाता है एंड स्नो अलोंग द स्लोप मूव होना शुरू हो जाती है। एट द बेस ऑफ द लेयर द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब जो बेस होती है इस लेयर का, वहाँ पे स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है, वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी हीट भी जनरेट हो रही है इस मूवमेंट के कारण। ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलॉन्ग द स्लोप। ग्लेशियर धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा स्लोप के साथ। लाइक द रिवर अ ग्लेशियर टू कैरीज आउट द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब एक रिवर की तरह एक ग्लेशियर बहुत सारे काम कैरी आउट करता है जैसे कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब हम बात करेंगे इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर्स की। थ्रू इट्स वेलोसिटी इज लेस, द मास ऑफ द आइस इज मोर एंड हेंस द ग्लेशियर इरोड्स ऑन इट्स ओन बैंक्स एंड इट्स बेड ऑन अ लार्ज स्केल। द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक सिरकीज, एरिड्स, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रॉक माउंटेनीज और शीप बैक्स। सो बेसिकली जो इरोजन होता है इन ग्लेशियर्स में, इसकी वेलोसिटी कम होती है लेकिन जो आइस का मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण जो ग्लेशियर होता है वो इरोड हो जाता है एंड इसके खुद के बैंक क्रिएट करता है। एंड इट्स बेड ऑन अ लार्ज स्केल द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स प्रोड्यूस लैंडफॉर्म्स लाइक। हाँ, सो बेसिकली अब जो इरोजन होता है ग्लेशियर्स का, उसमें बहुत सारे नए नए लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि सिरकीज, एरिड्स, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रॉकी माउंटेन्स। आप पेज नंबर 33 में इन सारी चीज़ों के अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा ये पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स. द ग्लेशियर्स कैरी सेडिमेंट्स विद देम. दीज सेडिमेंट्स आर कॉल्ड मोरेन्स. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट्स, मोरेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: ग्राउंड मोरेन्स, लैटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स एंड टर्मिनल मोरेन्स. ऑब्जर्व फिगर 4.2. द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक ड्रमलिंस, एस्कर्स एक्सेट्रा. सो बेसिकली जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत सारे सेडाइमेंट्स अपने साथ कैरी करते हैं. अब ये जो सेडाइमेंट्स होते हैं इनको हम मोरेन्स कहते हैं. अब डिपेंड करता है लोकेशन में कि कहाँ कहाँ ये डिपॉजिट है. तो जो मोरेन होते हैं उसको हम चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. सबसे पहला होता है ग्राउंड मोरेन, दूसरा होता है लैटरल मोरेन, तीसरा होता है मीडियल मोरेन एंड फोर्थ होता है टर्मिनल मोरेन. अब आप यहाँ पे फिगर 4.2 पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मोरेन्स एंड उनके टाइप का एक अच्छे से डायग्राम दिया गया है अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए. एंड ये डिपोजिशनल वर्क जो होता है ग्लेशियर का, उसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम ड्रमलिंस एंड एस्कर्स भी कहते हैं. अब हमें पेज नंबर 33 में सारे डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि हमने ऊपर वाले पेजेस में अच्छे से पढ़ा. आप एक बार उसको अच्छे से देख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो अब हम जंप करें नेक्स्ट टॉपिक में जो कि पेज नंबर 34 में है. सो उसका नाम है वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. विंड इज अ गैशियस एजेंट ऑफ इरोजन. द इरोजनल ट्रांसपोर्शनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन्स. एज मैकेनिकल वेदरिंग ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल हियर, पाउडर रॉक एंड सैंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया. देयर इज हार्डली एनी ऑब्स्टेकल इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द सैंड. सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द विंड. They get carried over longer distance and get deposited where the speed of the wind reduces. In this way, the wind does the work of erosion, transportation and deposition. So basically, हमने earlier classes में पढ़ा था कि जो air का movement होता है हम उसे wind कहते हैं. अब जो wind होता है gaseous agent होता है erosion का. And जो erosional, transportational and deposition का काम होता है वो wind से भी हो जाता है. और ये जो desert and semi-arid regions होते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो डेजर्टी एरियाज होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा टेक्निकल है. क्योंकि एज जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो लार्ज स्केल में होती है. एंड जो पाउडर्ड रॉक होते हैं, जो सैंड होती है, वो बहुत लार्ज एरिया में बिछी हुई होती है. सो बेसिकली इसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक ऑब्स्टेकल नहीं है एंड विंड के कारण ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड के साथ एंड ये बहुत लॉन्गर डिस्टेंस में कैरी ओवर हो जाते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड वेयर द स्पीड ऑफ द विंड रिड्यूसेस. और जहाँ पे जैसे ही विंड की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे ये धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. एंड इसी तरीके से विंड अपना काम कर देती है इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड डिपोजिशन तीनों का. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजनल वर्क ऑफ विंड. विंड कैरी स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ इट. दीज पार्टिकल्स कॉज इरोजन अलॉन्ग रॉक्स कमिंग इन द वे ड्यू टू फ्रिक्शन. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन हॉलोज, यार्डेंग्स एक्सेट्रा. सी फिगर 4.3. अब यहाँ पे फिगर 4.3 में आप देख सकते हैं कि मशरूम रॉक से क्या मतलब है इस चैप्टर का. सो बेसिकली विंड जो होती है वो स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पत्थर एंड बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी करती है जब उसकी स्पीड एंड पेस हाई रहती है. अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये रॉक में इरोजन पैदा करते हैं क्योंकि इनमें फ्रिक्शन आ रही है ट्रैवलिंग करते टाइम एंड इसके कारण मशरूम रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है जैसा आप यहाँ फिगर 4.3 में देख सकते हैं. Depositional work of winds. Sand particles that blow with the wind are of different shapes and sizes. Those particles which are very fine and carried over larger distance, while the larger ones get transported to shorter distances only. These sand particles get deposited into the deserts and semi-arid climates. As a result, specific landforms are formed: sand dunes, barchans, sieves, ripple marks, loess plains, etc. are formed by the erosion. सो बेसिकली जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लो करते हैं विंड के साथ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में. एंड ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत फाइन होते हैं एंड बहुत बड़ी बड़ी एंड लार्जर डिस्टेंस में कैरी ओवर हो जाते हैं अगर इनका साइज शॉर्ट है. एंड जो बड़े वाले होते हैं वो ट्रांसपोर्ट बहुत छोटी डिस्टेंस में ही कर पाते हैं क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स है वो डेजर्ट और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में ही ज़्यादा कैरी कर पाते हैं. एज अ रिजल्ट स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड: सैंड ड्यून्स, बर्चांस. और इसके कारण बहुत सारे
लैंडफॉर्म्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, हम जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, आपके राइट में दिया गया सैंड ड्यून्स, रिपल मार्क्स, और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इन डायग्राम्स के थ्रू कि ये पैराग्राफ हमको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ सी वेव्स एंड द लैंडफॉर्म्स इन द कोस्टल एरिया। सी वेव्स कैरी आउट द इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। विंड्स एंड टाइड्स कॉज द मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर एंड एज अ रिजल्ट waves come to the coast because of their hitting the rocks at all coast. Erosion of the rocks occurs in coastal areas having wide beaches. Waves carry out the depositional work. So basically ये paragraph हमको ये explain कर रहा है कि जो coastal areas होते हैं, जहाँ पे जो sea waves होते हैं, वो पूरा erosional, depositional and transportation का काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो winds होते हैं उसके कारण tides को, winds and tides के कारण movements cause होते हैं sea water में, एंड एज अ रिजल्ट वेव्स आती है कोस्ट की तरफ, एंड बिकॉज ऑफ देयर हिटिंग, जो कोस्ट में वेव्स आ रही है उनकी हिट करने के कारण जो रॉक होते हैं कोस्ट में, उसमें इरोजन होना शुरू हो जाता है। एंड जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीचेस रहते हैं, एंड जो वेव्स होते हैं वही पूरा डिपोजिशन का भी काम करते हैं। आप यह डायग्राम में देख सकते हैं फिगर 4.4 में। Erosional work of sea waves. हमारा next topic है when the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, sand particles, etc. This leads to the erosion of the coast because of the chemical and hydraulic action of the sea wave too. Erosion occurs landforms like wave cut platform, sea caves, sea arcs, sea cliffs, etc. are formed because of the erosional work of the waves. So basically यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो sea waves होते हैं उसके कारण erosional work कैसे होता है। So जब waves break down करते हैं coast में, वो अपने साथ बहुत सारे materials लेकर आते हैं, जैसे कि water, ट्रांसपोर्टेड stones, छोटे छोटे पत्थर्स, pebbles एंड छोटी छोटी sand के particles। इसके कारण erosion होता है coast में, एंड इसके कारण एक केमिकल और एक हाइड्रोलिक एक्शन भी होता है सी वेव के अंदर, एंड इसके कारण इरोजन होता है। अब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं, फिगर 4.4 में देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे लैंडमार्क्स फॉर्म होते हैं इसी इरोजनल वर्क के कारण। आप फिगर 4.4 में अच्छे से देख सकते हैं वो डायग्राम को, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोडेड मटेरियल्स अक्यूमुलेट एट द सी बेड बिकॉज ऑफ टाइड्स, दे कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट एंड अवे फ्रॉम द कोस्ट, दे बिकम फाइन बिकॉज ऑफ एट्रिशन एंड हिटिंग ईच अदर। डिपोजिशन ऑफ सच मटेरियल्स ऑकर्स एट द प्लेसेस वेयर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स आर लेस। लैंडफॉर्म्स लाइक बीचेस, सैंड बार्स, लगूनस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क। सो बेसिकली अब यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क कैसे होता है सी वेव्स में, तो जो इरोडेड मटेरियल होता है जो सी बेड के अंदर होता है, और जब हवाएं चलती है, टाइड्स चलती है, उसके कारण ये कोस्ट की तरह धीरे धीरे मूव करना शुरू हो जाता है, एंड कभी कभी ये कोस्ट से दूर भी जाता है, टाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड होता क्या है, एंड ये सारे मटेरियल्स एक दूसरे को हिट करने के कारण धीरे धीरे फाइन, यानी कि इनका साइज छोटा होता जाता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम आटा पीसते हैं तो कैसे एक पाउडरी टेक्सचर आ जाता है आटे का उसके ग्रेन्स के बाद। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, ये जो जितने भी एट्रिशन और हिटिंग होती है इन सारे पेबल्स एंड मटेरियल्स के कारण, उसके कारण बहुत ही फाइन मटेरियल बन जाता है, एंड यही मटेरियल का डिपोजिशन होता है। बहुत सारे इफेक्ट भी आते हैं इसमें वेव्स में, एंड बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, जैसे कि बीचेस, सैंड बार्स, लगूनस। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 37 में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कौन कौन लैंडफॉर्म की बात हो रही है। एंड हमारा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37 में पूरे डायग्राम्स ही दिए गए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पेज नंबर 38 पे। सो हमारे लास्ट टॉपिक का नाम है वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द रेन वाटर सीप्स बिलो द अर्थ सरफेस टू porous rocks or cracks in the rocks. This water accumulates in the non-porous layers of the rock. This accumulated water is called ground water. So basically, जब rain water होता है एंड वो earth surface के अंदर जाता है, तो जो porous rocks होते हैं या फिर हम उन्हें cracks कहते हैं rocks में, porous rocks basically जिन rocks में cracks आ जाते हैं उनको कहते हैं। तो जो porous rocks होते हैं उसके अंदर जब ये पानी accumulate करता है, घुस जाता है, एंड एक non-porous layer बना देता है rock के ऊपर, इसके कारण एक वाटर फॉर्म होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब
द सॉल्यूबल मिनरल्स इन द वाटर गेट डिजॉल्व एंड फ्लो विद द ग्राउंड वाटर, दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर. सो बेसिकली अब जितने भी सॉल्यूबल मिनरल्स रहते हैं वाटर के अंदर वो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं एंड ग्राउंड वाटर के अलॉन्ग वो फ्लो करना शुरू कर जाते हैं एंड इसके कारण इरोजनल वर्क ग्राउंड वाटर में भी होना शुरू हो जाता है. When the groundwater evaporates or the volume of the soluble minerals is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts. Landforms like sinkholes, limestones, caves and stalagmites are formed. Thus, the groundwater carries out the erosion, transportation and depositional work. So basically, जब groundwater evaporate होना शुरू हो जाता है तो जो volume होती है soluble minerals की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड जो ग्राउंड वाटर उसका होता है उसके साथ ये और ज़्यादा सॉल्यूबल और जल्दी मिल जाते हैं एंड इसके कारण डिपोजिशन चालू हो जाता है डिजॉल्व मटेरियल्स का. अब इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है जैसे कि सिंक होल्स, लाइमस्टोन्स, केव्स, स्टैलाक्टाइट्स एंड स्टैलागमाइट्स की. इसके कारण होता क्या है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो अपने साथ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन का पूरा काम लेकर चलता है. उसके साथ ही साथ पूरा काम हो जाता है ग्राउंड वाटर के साथ. अब आप यहाँ पे अपने राइट साइड में बुक के देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो लैंडफॉर्म्स मेंशनड है यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों के डायग्राम्स दिख सकते हैं एंड यही होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क का. एंड आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं आपके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे इरोजन एंड डिपोजिशन का काम होता है. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर इतना ही बड़ा था. हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कहाँ पे इरोजन, डिपोजिशन एंड लैंडफॉर्म्स का काम होता है डिपोजिशन का. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने इसको लास्ट तक देखा होगा. प्लीज़ लाइक एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.